हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड वी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई वास्तु टिप्स बताते हैं, कोई ना कोई ऐसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी घरेलू समस्याओं को, घरेलू वास्तु टिप्सों को लेकर आप अपनी घरेलू वास्तु की जो समस्याएं बनती हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। घरेलू छोटे छोटे उपाय होंगे जिनसे आप वास्तु कोणों को ठीक कर सकते हैं और अपने घर में सुख शांति समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लक्ष्मी जी को जो सबसे अति प्रिय वास्तु टिप्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि वास्तु के हिसाब से क्या आपको करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करें, और वे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जो माँ लक्ष्मी को घर के अंदर प्रवेश करने में सबसे सहूलियत माने जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों, तो पहला उपाय हम आपको अवश्य बताएंगे अभी, घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों, या तो जो लक्ष्मी श्री यंत्र है ये, या लक्ष्मी श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की तस्वीर, या गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर, इनमें से कोई ना कोई आप अपने मेन गेट पर अवश्य रखें, जिससे कि जब माँ लक्ष्मी आपके घर के पास आए, मेन गेट पर आए, मेन मुख्य द्वार पर आए, तो वह घर घर के बाहर से ही अति प्रसन्न हो और घर के अंदर अवश्य आना चाहे। दूसरा उपाय दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है हनुमान जी से संबंधित। आप जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचक माना जाता है, सभी संकटों को दूर करने वाला माना जाता है, तो हनुमान जी की स्थापना को आप अपने घर में अवश्य करें। कौन सी दिशा में, कहाँ पे करना चाहिए, यह आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में कॉर्नर पर इसकी स्थापना आप अवश्य करें। अगर हनुमान जी की तस्वीर आपके पास पंचमुखी तस्वीर है तो वह सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे प्रिय मानी जाती है और सभी बंधनों को काटने वाली मानी जाती है। इसलिए पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर होती है या कोई प्रतिमा होती है उसकी स्थापना आप अपने दक्षिण पश्चिम कोने में अवश्य करें। तीसरा उपाय दोस्तों, तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह भी बहुत अद्भुत और बहुत चमत्कारी माना जाता है। आप अपने घर के अंदर कोई भी धातु की तस्वीर वो अवश्य रखें, जैसे पिरामिड है, या मछली है, या कछुआ है, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। जहाँ पर भी लोगों का सबसे अधिक उठना बैठना रहता है अपने ड्राइंग रूम वगैरह में, वहाँ पर अगर आप इन तस्वीरों को रखते हैं या फिर इनका कोई प्रतिमा रखते हैं या किसी भी तांबे की कांस्य की मूर्तियाँ रखते हैं, किसकी, मछली की, कछुए की और पिरामिड की, तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है और वहाँ पर लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। ये लक्ष्मी को एक तरह से खींचने वाले माने जाते हैं, लक्ष्मी के प्रतीक रूप माने जाते हैं और लक्ष्मी यहाँ पर अवश्य निवास करती है, जहाँ पर ये लोग ये तस्वीरें आप रखते हैं, घर के ड्राइंग रूम में रखें, जहाँ पर लोगों की सबसे ज़्यादा उठ बैठ हो या सबसे ज़्यादा अधिक मूवमेंट होती है। तो इन तस्वीरों को आप अपने घर में अवश्य रखें, मछली, कछुए की प्रतिमा, मछली क्या जोड़े की प्रतिमा, या पिरामिड, जो आपने देखा पिरामिड का कोई भी स्टैचू वगैरह होता है वो अवश्य अपने घर में रखें। और सबसे आखिर में आप जानते हैं कि वास्तुदेव, वास्तुदेव की मूर्ति या तस्वीर यदि आप अपने घर के अंदर रखते हैं, किसी भी कोने में रखिए, कहीं भी रखिए, अगर वास्तुदेव की तस्वीर या कोई प्रतिमा आपके घर में रखी है तो आपके घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष कभी भी नहीं होगा, और कोई वास्तु दोष होगा ही नहीं तो माँ लक्ष्मी सबसे अधिक आपके घर प्रसन्न होगी। और एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, साथ ही साथ इसके बाद आप जब आप वास्तु दोष के वास्तुदेव की तस्वीर वहाँ पर रख देते हैं, कहीं भी अपने घर में रख देते हैं, तो उसके बाद एक आखिर स्टिक उपाय छोटा सा करना होता है। उत्तर दिशा में दोस्तों पानी रखने की सबसे उत्तम माना गया है, अपने घर में कहीं भी पानी रखना हो तो उत्तर दिशा अगर वो है तो सबसे बेहतर होता है, लेकिन घरों में बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया जाता, तो कोई भी ऐसा छोटा सा कुलिया वगैरह ले ले, कुछ घड़ा वगैरह ले ले, उसमें अगर आप थोड़ा पानी लेकर हमेशा इसे भरा रखें, इसे पानी लेके अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर कोने की तरफ, अवश्य उत्तर पूर्व हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर की तरफ होना ये बहुत जरूरी होता है, तो वहां पर इसको पानी को भर के कुलिया को वहां पे अवश्य रखें। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि वह आपके घर में आए और आपके घर में स्थायी निवास बना सके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कुछ वास्तु टिप्स बताए हैं, और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है।